चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। आपको क्या लग रहा है चुनाव में कौन जीतेगा यहाँ से? हमको लग रहा है कन्हैया जी जीतेगा। क्या वजह है आप सपोर्ट कर रहे थे? विकास नहीं होता इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर रामविलास पासवान को क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने? रामविलास पासवान छोड़ेंगे नहीं। रामविलास पासवान क्या किया उसको? तो कहते हैं पासवान के नेता, फिर अगर पासवान वोट बैंक चला जाता है उसने चकवाल में कोई जीत कर गया है तो भी नहीं किया। कभी वो लौट के नहीं आए? कभी नहीं आया। क्या मुद्दा होगा इस गाँव का? विकास का। विकास? क्या विकास? कुछ नहीं है गाँव में। कुछ नहीं। कौन करेगा विकास इस गांव में? कौन करेगा? जीतेगा कन्हैया, जीतेगा तो कन्हैया विकास करेगा। नमस्कार, चलचित्र अभियान में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं लोकसभा सीट बेगूसराय में, पासवान टोला में हम लोग यहाँ पर हैं। बातचीत करेंगे यहाँ पर लोगों से, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका क्या मुद्दा है इस चुनाव में। आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस चुनाव में? चुनाव में हम कन्हैया कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं। कन्हैया क्या वजह है इस चुनाव में आपके? इसलिए कि कन्हैया होनहार लड़का है और हम लोग का भविष्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे देश में, हमारे समाज में विकास हो, इसके लिए जो है हम कन्हैया को सपोर्ट कर रहे हैं। चुनाव में इस गाँव का क्या मुद्दा रहेगा? चुनाव में इस गाँव का मुद्दा रहेगा शिक्षा सबसे पहले। जैसे मेरे इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, कन्हैया जी अगर जीत जाते हैं, जीतेंगे तो उनसे हम लोग निवेदन करेंगे कि कम से कम सर उसको मिडिल स्कूल बनाया जाए, ताकि हमारे गांव का बच्चा बच्ची जो है माने गढ़ाड़ा जाना पड़ता है या बारो जाना पड़ता है, उससे कम से कम 7-8 तक जो है से यहाँ पढ़ाई कर सके। यही हम लोग आप लोग यहाँ पर पासवान है, जबकि रामविलास पासवान बीजेपी की तरफ है जी। तो आप लोग उनसे उम्मीद ना रख के कन्हैया से क्यों उम्मीद रख रहे हैं? इसलिए कन्हैया से उम्मीद रख रहे हैं कि वह हमारे बेगूसराय जिला का मतलब बेटा हुए, शिक्षित हैं, दूसरा नंबर। आपको क्या लग रहा है चुनाव में कौन जीतेगा यहाँ से? हमको लग रहा है कन्हैया जी जीतेगा। क्या वजह है आप सपोर्ट कर रहे थे? विकास नहीं होता इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर रामविलास पासवान को क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने? रामविलास पासवान छोड़ेंगे नहीं। रामविलास पासवान क्या किया उसको? तो कहते हैं पासवान के नेता, फिर अगर पासवान वोट बैंक चला जाता है तो उसने चकवाल में कोई जीत कर गया है तो भी नहीं किया। कभी वो लौट के नहीं आए? कभी नहीं आया। अच्छा, आप ये बताइए कि इस गाँव के अंदर जो बिजली आई, ये सब कुछ आया, ये किस सरकार ने कौन लेकर आया था सब कुछ? बिजली तो कम्युनिस्ट के समय में ही आया था और शत्रुघ्न बाबू इसमें बहुत मेहनत किए थे, प्रहलाद भैया मेहनत किए थे और हमारे गांव में बिजली मतलब हो गया कि 15-16 साल पहले लगवाए थे उन्हीं की मेहनत से लगा था। क्या लग रहा कितने परसेंट दलित आएंगे कन्हैया की तरफ इस बार? 70% दलित। और ये बताइए कि पिछले 5 सालों में जो आंदोलन रहा दलितों का, जो कितने कठिन उठाई, बहुत सारी आंदोलन में देखा, उसे कैसे आप जोड़ते हैं इस पूरे चुनाव को? देखिए, अभी जो समय दौर चल रहा है, इससे पहले जो घटना हुआ वो हम दोहराना हम लोग नहीं चाहते जी। क्यों? क्योंकि हर स्थिति से हमारा समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ और कोई भी व्यक्ति हमारे समाज से जीत के आगे जाते हैं, वादा करके जाते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं होता। तो हम ऐसे नौजवान साथी को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हमारे समाज का विकास हो, हमारे घर परिवार का बाल बच्चा आगे पढ़े, आगे बढ़े, यही हम लोग का पूर्ण यानी एक एकता संगठन के माध्यम से आपको बोल रहा हूँ। और प्रयास रहेगा कि कन्हैया जी को हम लोग पूर्ण सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश का जो है एक युवक नेता है। आप बताइए कि आप तो टी शर्ट भी पहने हुए हैं, तो आप इतनी उम्मीद, क्या उम्मीद लेकर बैठे हैं पूरा? हम लोग सर यही समझते हैं कि जीत जाएंगे इस उम्मीद से। और नहीं, जीतने के बाद क्या उम्मीद है उनसे? जीतने के बाद हम लोग चाहेंगे कि मेरा गांव विकास हो। दलित परिवार से है ये पूरा गांव, कम से कम स्कूल हो, स्कूल जो है 5 तक है। हम लोग चाहते हैं 10 हो जाए 8 हो जाए। और ये सड़क भी नहीं है, हम लोग के जाने किधर के बाद सड़क नहीं है। हम लोग सोचते हैं जितने बाद सड़क उड़क बन जाए। क्या किए आप पढ़ाई में?
हम पढ़ाई में MSc प्लस बीएड किए हुए हैं। बीएड किए हुए हैं फिर भी यहाँ रह रहे हैं। हाँ। रोजगार नहीं मिला। बिहार TET भी क्वालिफाई है, KBS भी क्वालिफाई। अच्छा। जब KBS का ज्वाइनिंग हुआ तो उस समय CTET क्वालिफाई नहीं मांग रहा था। अच्छा। जब हो गया सारा कुछ तब जाके CTET क्वालिफाई करवा दिया, जिसके बाद उसके बाद हम KBS नहीं जा पाए। अब एक आशा है TET का, बिहार TET आप क्वालिफाई कर चुके हैं। हाँ, उसके बाद ही बेरोजगार है। हाँ, लिस्ट तक आया नहीं वो वाला? नहीं, अभी तक ज्वाइनिंग प्रक्रिया कुछ ने सिर्फ मार्कशीट देख करके छोड़ दिया। नौजवान पीछे, आप लोग को क्या उम्मीद है, किसके साथ हैं और क्या उम्मीद है आपको इस चुनाव से, तो बताएं पीछे से। हम लोगों का है कि इनको भाई कन्हैया थे। कन्हैया तो ठीक है, क्यों? क्योंकि अच्छा युवक है, काम करने वाला वो है, अच्छा इसीलिए हम चाहते उम्मीद है जी। आपको क्या लग रहा है कि आगे क्या चुनाव के बाद कौन मुद्दा उठाएगा, क्या मुद्दा होगा इस गांव का? विकास का। विकास, क्या विकास? कुछ नहीं है गांव में, कुछ नहीं। कौन करेगा विकास इस गांव में? कौन करेगा, जीतेगा का नहीं, आ जीतेगा तो नहीं विकास करेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दलित और पासवान समाज खासकर कन्हैया की ओर आ चुका है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी छोड़ के कुर्मी समाज अलग हटकर कन्हैया को सपोर्ट कर रहे हैं, उस तरीके से ही रामविलास पासवान को लोग अलग छोड़कर कन्हैया को सपोर्ट कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चलचित्र अभियान में जुड़ने के लिए शुक्रिया।